नमस्कार दोस्तों, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी बाजार जैसा समोसे बनाना सिखाएंगे। तो चलिए समोसे बनाने के लिए कुछ सामग्री देखते हैं। समोसे बनाने के लिए हमने सामग्री इस प्रकार ली है। 250 ग्राम मैदा, रिफाइंड ऑयल, नमक, अजवाइन। तो हम सबसे पहले डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए आटे में सारी सामग्री को मिक्स करेंगे। एक छोटा चम्मच नमक, एक छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम इस तरह हाथ में क्रश करके डालेंगे, इससे अजवाइन का फ्लेवर आएगा। चार बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। मैदे में सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम ऑयल दो चम्मच और डालेंगे, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने मैदे में अच्छी तरह से मोयन मिला लिया है। अब हम गुनगुने पानी से डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथेंगे। समोसे के लिए थोड़ा आटा टाइट ही लगाएंगे, बहुत मुलायम नहीं रहेगा। हमने डो तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारा डो बहुत मुलायम नहीं है, थोड़ा सख्त है। आप लोग भी इसी तरह का डो तैयार करिए। अब हम स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। जब तक हम स्टफिंग तैयार करते हैं तब तक डो को रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने सामग्री इस प्रकार ली है। 6-7 आलू उबला हुआ, ऑयल, मूंगफली दाना, 8-10 काजू, छोटे टुकड़ों में कटा हुआ हरी मिर्च, ग्रेट किया हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, अमचूर, गरम मसाला। तो चलिए स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लिया है। अब उसमें 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम सबसे पहले मूंगफली दाना डालेंगे और अपने गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर मूंगफली दानों को भूजेंगे। हमारे दाने थोड़े भून चुके हैं। अब हम काजू भी डालेंगे, इसको भी धीरे धीरे भून लेंगे। काजू और मूंगफली दाना भून चुका है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। बचे हुए तेल में अदरक डालेंगे, मिर्चा डालेंगे। अदरक मिर्ची को थोड़ा पका लेंगे। हमारा अदरक और मिर्ची भून चुका है। अब हम आलू फोड़ के डालेंगे। आलू को हाथ की सहायता से इस तरह से दबाकर फोड़ेंगे, बहुत ज्यादा मैश नहीं करेंगे। अब हम आलू को थोड़ा भून लेंगे।
हमारा आलू थोड़ा भुन चुका है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम मसालों को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे। हमारे आलू अच्छी तरह से भून चुके हैं, अब हम मूंगफली दाना और काजू डालेंगे, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम धनिया पत्ती डालेंगे, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा स्टफिंग बनके तैयार है, अब हम इसको ठंडा होने देंगे। हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है, हमने इसमें काजू और मूंगफली का दाना डाला है, आप इसके जगह चाहे तो मटर भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब समोसे बनाना शुरू करते हैं। हमने डो से लोइयां तैयार कर ली हैं, अब हम एक एक करके बेलते जाएंगे। पूरी को लंबाई में बेलेंगे, इसको गोल नहीं बेलते हैं। हमने पूरी बेल लिया है, अब इसको 20 से दो भाग में डिवाइड करेंगे और एक पूरी को इस तरह हाथ में लेकर इस पर ऐसे पानी लगाएंगे और इस साइड को इस पर चिपकाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह कोन की तरह बना है। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। इस साइड को अंदर दबाते हुए समोसे को इस तरह से चिपकाएंगे। इसी तरह से हम दूसरा समोसा भी तैयार करेंगे। हमारा दूसरा समोसा भी बन गया है, अब हम इसी तरह से सारी लोइयों से सारे समोसे बना लेंगे। हमने दूसरी लोई से भी पूरी बेल लिया है, अब इससे भी समोसे बनाते हैं। हमारा ये भी समोसा बनकर तैयार है, अब हम इसी तरह से इसे भी बना लेंगे। इस साइड को अंदर की तरफ दबा देंगे।
हमने सारे समोसे बना लिए हैं, अब हम तलेंगे। समोसों को तलने के लिए हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। हमारा तेल बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए। इस तरह का ही तेल चाहिए। अपने गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। आप देख सकते हैं समोसे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम समोसों को निकाल लेंगे और बाकी समोसों को भी इसी तरह से तल लेंगे। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी समोसे बनकर तैयार हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। समोसे को इमली की मीठी चटनी या टमाटर की तीखी चटनी के साथ एंजॉय करिए।